नहीं, पाटा लगाना सोना। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो कॉलेज गई थी ना। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। अरे मैं इसका भाई हूँ और ये मेरी बहन है। सना ये क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा भाई? तुमने तो बोला था कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये दो कौड़ी का गार्ड अपने आप को तुम्हारा भाई बता रहा है। अरे नहीं नहीं हर्षद, ये झूठ बोल रहा है। मेरा भाई कोई दो कौड़ी का गार्ड नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने बताया था ना, वही सच है। मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा और बड़ा बिजनेसमैन है। इस जैसा सड़क छाप गार्ड नहीं है मेरा भाई। अरे सना तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, और तुम मुझे ही नहीं पहचान रही हो। अबे ओए, तुझको समझ नहीं आता क्या? जब उसने बोला कि वो तुझे नहीं जानती है तो उसके पीछे क्यों पड़ रहा है? अरे मेरी बात समझो, मैं इसका भाई हूँ। बकवास बंद करो तुम अपनी, समझे? और हर्षित, ऐसे लोग ना बिल्कुल नहीं समझने वाले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम एक काम करो, हम यहाँ से चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे ना तो और ज्यादा हमसे चेस होता रहेगा। चलो रुको। क्या हो गया? मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था, इसलिए कॉलेज ले रहा हूँ ताकि मुझे ये दिन देखना पड़े। क्या हो गया भैया? आपको बहुत बुरा लगा मुझे इस तरीके से देखकर? अरे प्रॉब्लम क्या है अगर मेरा बॉयफ्रेंड है तो? और क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उसके साथ बाहर घूम भी रही हूँ तो? आप होते कौन है मेरी लाइफ में इस तरीके से बोलने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ और हर भाई का फर्ज बनता है। अगर उसकी बहन गलत रास्ते पे आ रही है तो उसको सही रास्ते पर लाना, समझे तुम? बस भैया बहुत हो गया, आप ना प्लीज मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए जो बेटर है ना मैं वही कर रही हूँ। आप मुझे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ मेरा एक बॉयफ्रेंड होना भी जरूरी है, तो मेरे पास एक बॉयफ्रेंड भी है। और अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम है ना तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करिए। और हाँ, आज तो आपने मुझे इस तरीके से टोक दिया मेरे बॉयफ्रेंड के सामने। अगली बार से अगर आप मुझे कहीं पर भी किसी के साथ देखें ना तो ऐसे मत टोकना, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है दूसरों को ये बताने में कि मेरा भाई एक नॉर्मल सा गार्ड है। आपको पता है कितनी शर्मिंदगी होती है मुझे, और आज तो हाथ उठा दिया आपने मुझ पर। आगे से मत करिएगा, भाई है भाई बनकर रहिए। साहब मैंने गाड़ी पार्किंग कर दी है। सना तुम क्या बदतमीजी है, नौकर के नहीं आ सकते थे तुम? सॉरी सर, लेकिन ये मेरी बहन है। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ कि तुम हो कौन। जहाँ देखते हो हमेशा बहन बहन करने लग जाते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी बहन है। आपको सर याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे उधार पैसे मांगे थे, वो इसी की कॉलेज फीस के लिए मांगे थे। साहब मैं इसको इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये अच्छा काम करे। मैंने इसको कल किसी दूसरे लड़के के साथ देखा था और आज आपके साथ बैठी है। हाँ तो क्या हो गया? अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रही हूँ तो उससे आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? मैंने आपको उसी दिन बोला था ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। कितनी बार समझाया मैंने आपको, और खास तौर पर कहा था कि अगर मुझे कहीं देखो तो ऐसे टोकना नहीं, लेकिन फिर भी टोक दिया। कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, आपको पता है? बस सर ना, अपने भाई से कोई इस तरह से बात करता है? कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम अपने भाई से? और क्या गलत कहा उन्होंने? सही तो कहा है, वो कॉलेज तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजते हैं, ना कि घूमने फिरने के लिए। और तुम्हें पता भी है तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे भाई कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इतने महंगे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराया ताकि तुम कुछ बन सको और उनका नाम रोशन करो, पर नहीं, तुम्हें तो बस इंजॉय करना है। और एक बात बता दूं, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ये शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत तकलीफ देता है। और इस दुनिया में ना सिर्फ तुम्हारा भाई है जो अपना है, बाकी सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, समझ गए ना? और यार यहाँ तक कि तुमने मुझसे भी झूठ बोला कि तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यार मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई अमीर है कोई गरीब है, मुझे बस इंसान अच्छा चाहिए, ना कि कोई अमीर। पर तुमने मुझे वहां भी धोखा दिया, और तुम्हारे भैया बता रहे कि तुम किसी और लड़की के साथ भी थे, तुमने वहां भी गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, जो कुछ भी तुमने किया ना बहुत गलत किया, तुम्हें अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी छोटी बहन भटक गई थी लेकिन उसे अब अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं, मुझे इसी बात की खुशी है।
कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगी।